अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हियर आई एम योर एसएससी टीचर अलाइड स्कूल हरुणाबाद कैंपस। क्लास हमारे पास 7 है और चैप्टर हमारे पास 4 है। ठीक है, तो आज जो है वो हम क्लास 7 का चैप्टर लेक्चर नंबर 5 करेंगे। आप ये देखें कि इसमें उन्होंने बताया है कि मिनरल्स एंड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें कौन कौन सी मिनरल्स पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें उनके पास पाई जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस है। ऑयल और नेचुरल गैस है, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में जो मिडिल ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑयल ऑयल पाया जाता है। उसके अलावा जो है जैसा कि आपको पता है, सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्रीज़ में फर्स्ट नंबर पे आता है ऑयल प्रोडक्शन में, और इसके बाद इराक और ईरान भी हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 15% तेल पैदा होता है, लेकिन जो जो है वो इस तरह का तेल नहीं है कि जो हमारे व्हीकल्स में इस्तेमाल हो सके। वो क्रूड ऑयल है और उसको बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज में साफ़ कर भी लें तब भी वो जो है वो व्हीकल्स के इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। वो बाकी फैक्ट्रीज़ में और बाकी और बहुत सारे पर्पसेस में इस्तेमाल होता है एज ए फ्यूल। ठीक है, तो अब जो है वो हमने इस पेज में ये देखा है, और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास जी उन्होंने कहा है कि अदर स्टेट्स विच द बहरीन, कतर एंड अबू धाबी इन द यूएई प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल। ये तमाम स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल पैदा कर रही हैं। अबू धाबी हैज़ अ 9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्वर एंड 5% ऑफ द नेचुरल गैस। अबू धाबी के पास 9% जो है वो ऑयल है और 5% जो है उसके पास गैस है। ठीक है, पाकिस्तान प्रोड्यूस अबाउट 22.6 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। पाकिस्तान ने भी जो है वो 22.6 मिलियन बैरल ऑयल पैदा किए है, प्रोडक्शन हुई है, पैदा हुआ है या निकाला है। द सेम लार्ज अमाउंट, बट रिमेंबर दैट सऊदी अरेबिया दैट अमाउंट वेरी टू अरेबिया पाम्स विद दिस अमाउंट एवरी 2 डेज। ठीक है, हमारे पास पूरे साल में अगर इतना तेल निकला है तो सऊदी अरेबिया के पास ये पूरे 2 दिन में ये तेल निकला है इतना। ठीक है, पाकिस्तान डज हाउएवर हैव अ वेल वेरी रेबल नेचुरल गैस फील्ड। पाकिस्तान के पास गैस के बहुत अच्छे जखायर हैं। ठीक है, पाई चार्ट हम नीचे देखते हैं, और इसके साथ इससे उन्होंने ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो गैस है जिनके पास और किन किन के पास जो है वो ऑयल है। अब देखें ऑयल वाले कंट्रीज़ में ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, नाइजीरिया, कुवैत, इंडोनेशिया, लीबिया, ओमान और बहरीन, और गैस में इंडोनेशिया, अल्जीरिया, उज़्बेकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं ऑयल और गैस की नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर उन्होंने दिया है पेज जो है, नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि कौन से चीज़ें हैं जो ऑयल से बनती हैं। यहाँ पे देखें एलपीजी लिक्विड गैस फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए एलपीजी गैस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद रिफाइनरीज हैं, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, पेंट में, इंक में, उसके बाद टायर्स की मजबूती के लिए और सड़कें बनाने के लिए। जो जब तेल को उसको रिफाइनरीज में साफ़ किया जाता है तो जो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको सड़कों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनाब वाला डाइज ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्लॉथ एंड फूड में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक ऑफ ऑल काइंड में इस्तेमाल होता है। तो अब हमारे यहाँ पेज नंबर लेसन नंबर के इस पेज तक हमने जो है वो सारा काम कंप्लीट कर लिया। आज हम इसके उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, उसका इमेज आपको मिल जाएगा।